यू वेरी मच। इतने सारे लोग आए हैं मुझे देखने के लिए, इतने कैमरे खुले हैं मुझे देखने के लिए। ऑडियो, अबे तेरे को देखने के लिए, इनको देखने के लिए आए हैं, और तेरे लिए एक ये खामोशी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ताली नहीं बजाएंगे आप लोग? जोरदार ताली नहीं चाहिए कृष्णा अभिषेक के लिए, और चाहिए। साउथ के सामने नॉर्थ की इज्जत तो रखो, और कौन से प्लीज, ऐसे नहीं चलेगा। क्या बात, और ये तालियां तेरे लिए नहीं बज रही, इनके गाने के लिए बज रही है, क्योंकि गाना जो है बहुत ट्रेंडिंग है। और अब सबसे ज्यादा ताली द लेजेंड की पूरी टीम के लिए, जोरदार तालियां। यहाँ स्वागत करना बहुत जरूरी है, द वेरी प्रीटी लेडीज, क्या बात है, राय लक्ष्मी, उर्वशी रौचेला, और हमारे लेजेंड सर। सर एक काम करें सर, वहीं से बैठे बैठे एक पोपो हो जाए सर, वहीं से बैठे बैठे, ये स्टेप बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, साथ में करते हैं, वहीं से उर्वशी डू द स्टेप, वहीं से बैठे बैठे, ओके बजाओ बजाओ एक बार बजाओ। बच्चन के लिए आती है, राजीव ठाकुर के लिए नहीं आती है। आपको बताइए कौन सा वाला ठाकुर है, शोले का जो गब्बर है ना सर, उसका भी फोन आया था इसको, उसने बोला था मुझे पता है तू वो वाला ठाकुर नहीं है, फिर भी तेरा हाथ काटने को मन करता है, ये हाल है इसका। मेरे हाथ कटवा, मेरी जुबान भी कटवा, मैं देखता हूं तेरे लिए तालियां कौन बजवाता है। अरे नहीं नहीं मजाक कर रहा है यार, कम ऑन, हम लोग सब दोस्त हैं, एक साथ शो में काम करते हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जाए सुपरस्टार सस्ते गोविंदा के लिए, शो करना है और प्रमोशन करनी है, तो हमने राजीव ठाकुर को साइन कर दिया है। आया क्या? तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, कहते हैं मीडिया आने को तैयार नहीं हो रही है, तो हमें ऐसा कोई फेमस बंदा चाहिए, कोई स्टार चाहिए, तो हम आपको साइन करना चाहते हैं, आप कितने पैसे लोगे? मैंने कहा जो राजीव ठाकुर ले रहा है उसे 10 लाख ज्यादा दे देना। तो कहते हैं ठीक है फिर आप 10 लाख ले लो, क्योंकि वो तो फ्री में आ रहा है। हंसने वाली क्या बात है यार, राजीव ठाकुर वी लव यू, वी लव यू, वी लव यू। अनुराग एक बात बताओ, इतने बड़े बड़े पूरा मीडिया आया हुआ मुंबई का यहाँ पे, जी रातों रात किसी को भी स्टार बना सकता है। जी जी बिल्कुल, मैं पैसे मांग लूं ये मेरे को मना कर दें, मेरा तो काम खराब हो जाता। क्या कहा भाई, इतने मीडिया के सामने मैं पैसे कैसे मांग सकता हूँ, मेरा काम खराब हो जाता। काम खराब हो जाता? हाँ। बेटा काम खराब उसका होता है जिसके पास काम होता है। इसको देखा है आप लोगों ने हमारे शो पे, उर्वशी यू हैव सीन हिम ना, ये कपिल से काम मांगने आता है वहां पे, तो बीच बीच में। उर्वशी मेरे कॉलेज का दोस्त है, वो बचपन का। सर आप बताइए, बचपन के दोस्त से आदमी कच्चा मांग लेता है, तो काम मांगने में क्या प्रॉब्लम है, मांग सकते हैं ना। शर्म तो उन लोगों को आनी चाहिए जो मेरे दोस्त से काम मांग के हिट हो रहे हैं। सही है, बकवास नहीं करना, मीडिया है आज यहां। मैं आपको बताता हूं सर, इसको मांगने का इतना शौक है ना, ये तो पैदा भी गोविंदा के खानदान में इसलिए होगा, बड़ा होकर फिल्मों में काम मांग सके। कश्मीरा से इसने शादी इसलिए की, प्रोड्यूसरों से काम मांग सके। बाबा रे बाबा, हमारे पंजाबी सुदेश लहरी के साथ जोड़ी इसलिए बनाई ताकि कपिल से काम मांग सके, और अब तो जुड़ा बच्ची है ताकि उनका मुंह दिखा के काम मांग सके। बकवास नहीं करना, अगर कश्मीरा ने सुन लिया ना, क्या सुन लिया बे, जो घर में तेरी नहीं सुनती मेरी क्यों सुनेगी। क्यों सुनेगी? राजीव ठाकुर जिंदाबाद, कमाल। ये बात इसने सही बोली है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में कश्मीर का मसला सॉल्व हो सकता है, कश्मीरा का कभी भी नहीं हो सकता।
वैसे ठाकुर यार, हम एक दूसरे की इतनी बेइज्जती क्यों किए जा रहे हैं? उनकी फिल्म आ रही है द लेजेंड, उसकी कोई अच्छी अच्छी बात करो यार, कोई अच्छी बात करो। इतनी मीडिया आज यहाँ पर आई है मुंबई। अच्छी बातें करनी होती तो वो आलोक नाथ को बुला लेते। अच्छा है, हमें क्यों बुलाएंगे? नहीं नहीं, मैं तो अच्छी बात करूंगा। ये लेजेंड सर, ये तो हम लोग ऐसी मस्ती करते रहते हैं एक दूसरे पे पंचेस, बट ये लोग जो हैं ये सब दे ऑल आर फ्रॉम अमृतसर, अंबरसरिया बोलते हैं जो अमृतसर से है ना, उनको अंबरसरिया बोलते हैं। कपिल भारती, सुदेश जी माय पार्टनर एक टाइम पे थे, एंड राजीव ठाकुर, क्या बात है यार, पिछले 15 सालों से ये क्या एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं टेलीविजन पे, इनके लिए जोरदार तालियां यार। थैंक यू। ये सब लेजेंड्स हो चुके हैं यार। मैं एक चीज कहूंगा फॉर हिम सर, आप क्योंकि आप मुझे जानते हैं, इसको इतना नहीं जानते, इतना नहीं देखा है आपने, तो मेरी अच्छी बात कर रहा है। नहीं, अच्छी, मैं तेरे बारे में बता रहा हूँ यार, अच्छी बात ही कर रहा हूँ सर। दिस गाय, वो कहते हैं ना, यू आर अ बिजनेसमैन, आपकी इतनी बड़ी कंपनी है, कि कहाँ छोटे से शुरुआत की। मुझे याद है कई साल पहले ये अमृतसर से आया था भाई, 500 रुपया इन इज पॉकेट, और आज ऊपर वाले की दया से 20 से 25 करोड़ रुपए का कर्जा है इसके ऊपर। कृष्णा, मुझे एक बात बता, तू इतना कर्जा लेके सोता कैसे है? भाई मुझे तो बहुत अच्छी नींद आती है, क्योंकि मैंने कौन सा वापस देना है। नींद उनकी जाए जिन्होंने मुझसे लेना है। ओए शायरी हो गई। क्या बात है, तू शायरी भी घटिया मारता है यार। अगर गालिब साहब जिंदा होते ना, ये किताब में से निकल के चमाट मारते तेरे को। चमाट ठीक है, असली बात बता, हम सब एक ही शो में काम करते, पैसे सबके पास ठीक ठाक आ जाते। नहीं नहीं, इसके बारे में तो सच बताता हूँ सर, मैं इतने पैसे आ गए, दे हैव अर्न अ लॉट ऑफ मनी, सो मेनी एपिसोड्स वी बीन डूइंग, सो मेनी शोज इतने सालों से, बट क्लास अभी भी नहीं आया। कोई क्लास नहीं उर्वशी। आई रिमेंबर दिस गाय, फर्स्ट टाइम फ्लाइट में मेरे साथ बैठा था, तो मैंने क्या किया सर, इसको ऐसे विंडो सीट दे दी। मैंने बोला सर विंडो सीट पे तो बैठ जा, तो ऐसे ऊपर से नीचे देख के बोलता है, यार सही कहा किसी ने, ये ऊपर से नीचे देखो ना, सब चींटियों जैसे नजर आते हैं। मैंने इसको थप्पड़ मारा, मैंने कहा प्लेन अभी उड़ा नहीं है, वो चींटियां ही है। ये हाल है सर, कोई क्लास नहीं। एयरोस्टेस आई, बोले सर आप क्या लेंगे? बोलते बस नीचे उतर के ऑटो लेंगे, और क्या लेंगे सर, हर आदमी के पास कार थोड़ी होती है, नीचे उतर के ऑटो ही लेता आदमी। नहीं नहीं, ये तो सब पुरानी बातें हो गई, पुरानी बातें। आज की मैं बात बताता हूँ, इतने बढ़िया होटल में ये फंक्शन है, ठीक है, हम लोग यहाँ पर आए अंदर, सर ये आके भड़क गया, बोलते कृष्णा ऐसे नहीं चलेगा, मैं भी स्टार हूँ, इतना छोटा सा रूम, इतने छोटे से कमरे में मैं नहीं रुकूंगा। मैंने कहा ये लिफ्ट है, तेरे को भी ऊपर लेके जाएंगे, स्वीट रूम दिया है लेजेंड सर ने। और स्वीट रूम में भी गया तो वहां पर रो रहा है, दीवारें चाट रहा है, और बोलता है मेरे साथ धोखा हुआ है, ये तो कैसे स्वीट रूम है, दीवारें तो सारी फेंकी है यहाँ पे। ये हाल है सब अंबरसरीय लोगों का। यार भोले लोग हैं हम, तेरी तरह चलाक नहीं है। मैं चलाक हूं तो और क्या, इसकी शक्ल में मत जाइएगा, इतनी भोली सी शक्ल है सर इसकी, जितनी भोली शक्ल है अंदर से शक्ति कपूर है ये। मैं सच में बता रहा हूँ, कहीं सड़क पे दुपट्टा मिल जाए, नीचे खुदाई शुरू कर देता, कहता दुपट्टा मिला नीचे लड़की भी मिलेगी। मैं बता रहा हूं, आप किसी भी भीड़ वाली जगह पे चले जाइए जहां जूते उतार के लोग अंदर जाते हैं, ये जाए वहां चप्पल देख के लड़की का नाम बता देता ये। अरे बाप, इतनी खाई है इसने शायद। मैं सच बता रहा हूं, जब हम ठहरे भोले वाले लोग, जब मैं पहले नया नया आया ना मुंबई, तो वही ना मुंबईया कहता मेरा 5 करोड़ का फ्लैट है। मैंने कहा अच्छा, मुझे लगा अंदर स्विमिंग पूल होगा। मैं गया, कहता खत्म हो गया। मैंने कहा खत्म हो गया तो 5 करोड़ लगाए कहां पे? मेरा हाथ पकड़े बाथरूम में ले गया, कहता इधर देख 70 लाख रुपए लगाए मैंने बाथरूम में। तो मैंने कहा तूने इधर बैठ के परांठे खाने फिर डालना तो गांधी है, किस बात के 70 लाख लगाए? कहता इधर पानी आता है ऑटोमेटिक, साबुन आता है ऑटोमेटिक, कागज आता है ऑटोमेटिक। मैं कहा कृष्णा जोर भी लगाना कि वो भी ऑटोमेटिक। तूने अपने मुंह के हिसाब से यहां 25 बोल रहा है, घटिया बातें कर रहा है। टॉयलेट वॉयलेट की क्या बात कर रहा है? तुम्हें पता हम यहाँ पर माउथ इंडियन फिल्मों की बात करने आए हैं। माउथ इंडियन नहीं, साउथ इंडियन फिल्म है। तो बेटा जाके हर पोस्टर देख, हर पोस्टर पे आजकल साउथ का माउथ ही चल रहा है। क्या बात है, ये बात तो है। और जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां आ रही है सर। बाहुबली, बाहुबली 1 2, फिर आती है KGF, KGF 1 2, ऊपर से पुष्पा राज, और अब द लेजेंड। द लेजेंड के लिए एक बार जोरदार तालियां। क्या बात है, सर जेन्युइनली आई वांट टू से वन थिंग, क्योंकि हम लोग कंटेंट बनाते हैं, जब भी किसी शो पर जाते हैं तो हमने प्रोमोज देखे, जेन्युइनली फैंटास्टिक। उर्वशी और आप तो वैसे भी, आपके जितने गाने देखो, फिल्में देखो, आप लोग बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन लेजेंड सर फैंटास्टिक। आपकी जो वॉक है ना, मैं तो उसका दीवाना हो गया हूँ सर। मैंने तो 20 बार आपकी वॉक ही देख रहा था। आप मुझे लगता है रजनी सर से इंस्पायर्ड हैं।
और अगर आपकी पहली फिल्म है और पहली फिल्म में अगर आपको अगर मैं कंपेयर करूं रजनी सर से, आई थिंक इट्स वंडरफुल. सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. इट्स ग्रेट. बट एज अ बिजनेसमैन यू हैव बीन सो सक्सेसफुल एंड माय विशेस आर विशेस टू यू कि भगवान करे आपकी फिल्म सुपर डुपर हिट हो. जिस तरह आपका बिजनेस पता है, तो अच्छे से बात कर. बहुत बड़े आदमी है पता है. हां बहुत बड़े आदमी है. अभी हमारा पैसा खत्म होता है हम लोग कहां जाते हैं? एटीएम. जब एटीएम का पैसा खत्म होता है पता है वो कहां जाता है? कहां? इनके पास. बोलता साहब खाली हो गए कुछ तो भर दीजिए. ये अच्छा फिर तो मुझे लगता है सर के घर में ना लंगड़ा आम भी व्हीलचेयर पे आता होगा. इतने अमीर आदमी है. तुम्हें पता है इन्होंने तो 40-50 लोग ऐसे रखे हुए हैं. वो तो रखेंगे बड़े आदमी 40-50 आदमी. नहीं नहीं बड़ी बात ये है कि उनका हर महीने थूक रिचार्ज करवाते हैं. क्या थूक रिचार्ज? हाँ वो क्यों भाई? नोट गिन गिन के उनका थूक खत्म हो जाता है ना. खैर ये फालतू पंचेस मारता रहेगा. राय लक्ष्मी के लिए एक बार जोरदार तालियां. सो प्रिटी यार, क्या बात है. राय लक्ष्मी बहुत खूबसूरत लगती हैं. मैं तो आपको जब देखता हूँ तो मतलब देखता ही रह जाता हूँ यार. क्या पर्सनालिटी. मैंने बताया आपको हाइट भी क्या है यार, मतलब इतनी लंबी. हाँ हाँ ये लंबे होने का बड़ा फायदा होता था. लंबी खड़े होकर दिखाओ उनको. बोलो एक बार खड़े हुई ना प्लीज. इतनी लंबी हाइट ये देखो. माय गॉड मेरे से तो हो ना.